हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम कैलकुलस में लिमिट पॉइंट का सेकेंड लेक्चर ले रहे हैं, और इससे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी एप्सिलॉन डेल्टा। डेफिनेशन क्या होती है, लिमिट पॉइंट आप कौन कौन से केसेस में बता सकते हो, इनफाइनाइट लिमिट, फाइनाइट लिमिट, ये सारे डेफिनेशन मैं आपको बता चुके हूँ। आज इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जिन क्वेश्चन को करने में थोड़ा सा हमें पर्टिकुलर ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें हम ये स्टेप क्यों यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए जी, सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्रूव दैट लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो। आपको ये एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से प्रूव करना है। अब क्या थे एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन? एफ ऑफ एक्स टेंस टू एल इफ एक्स टेंस टू ए। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन पॉजिटिव सच दैट एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन इफ मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, वेयर डेल्टा इज ऑल्सो पॉजिटिव नंबर एंड डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन। ये होती है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। इसी से हमें प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन गिवन है इसकी लिमिट अगर अप्लाई करें x टेंस टू जीरो तो ये हमारा जीरो आंसर आएगा। मतलब अगर मैं इससे कंपेयर करूँ तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है? एफ ऑफ एक्स है एक्स इंटू साइन वन बाई एक्स। एल क्या है? जो इसकी लिमिट है, यानी इसको अगर आप ऐसे लिखिएगा लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स, तो क्या लिमिट मिल रही है? एल मिल रही है। तो यहाँ पे एल क्या है भाई? ज़ीरो। ए क्या है? ए है ज़ीरो, एक्स टेंस टू ज़ीरो, है ना। चलिए हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। और हमें इसको कैसे प्रूव करना होता है, हम इसमें कौन सा स्टेप लेकर चलेंगे, क्या प्रूव करेंगे? हम यहाँ पर ये स्टेप लेकर चलते हैं। देखो, लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर चलेंगे, एफ ऑफ एक्स माइनस एल को हम सॉल्व करेंगे। हम कहेंगे कि एफ ऑफ एक्स माइनस एल अगर लेस देन एप्सिलॉन है तो हम फाइंड आउट करेंगे उसके बाद ऐसी कंडीशन जिसमें एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा आ जाए। बेसिकली हमें डेल्टा की वैल्यू बतानी है। देखते हैं, फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव लेट एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स इंटू, और यहां पर मैं ले लेती हूं लेफ्ट हैंड साइड, मतलब मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स मेरे पास है एक्स इंटू साइन वन बाई एक्स, माइनस एल क्या है भाई? ज़ीरो। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो मोड ऑफ एक्स साइन वन बाई एक्स, और इस स्टेप को हम अलग अलग कर सकते हैं, मोड ऑफ एक्स इंटू मोड ऑफ साइन वन बाई एक्स, और इसको मैंने लिख दिया लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एक्स। कैसे लिखा? क्योंकि मॉड ऑफ साइन थीटा लेस देन इक्वल टू वन होता है। साइन यहाँ पे एक्स की आप कोई भी वैल्यू पुट कर लो। एक क्वेश्चन हम ऐसा ही पढ़ेंगे कि साइन वन बाय एक्स वेयर एक्स टेंस टू जीरो, इसकी क्या वैल्यू आती है? अगर मैं ऐसे कहूँ आपको लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन ऑफ वन बाय एक्स, चलो ये आगे क्वेश्चन आएगा वैसे, तो इसकी वैल्यू आती है अ फाइनाइट क्वांटिटी विच ऑसिलेट्स बिटवीन माइनस वन एंड वन। क्यों? क्योंकि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो माइनस वन और वन के बीच में लाई करती है। अगर आप यहाँ पे कहोगे तो साइन इन्फिनिटी हो जाएगा। तो साइन में कोई भी एंगल आप ले लीजिए, इन्फिनिटी तो वैसे क्योंकि यहाँ पे एक्स टेंस टू जीरो है तो जीरो के आसपास की वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी, तो कोई भी एंगल अगर है साइन में उसकी वैल्यू हमेशा माइनस और वन के बीच में आएगी। तो यहाँ पर हम क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं बता रहे हैं कि x टेंस टू जीरो तो साइन वन बाई एक्स क्या देगा, ये ओसीलेट करेगा माइनस वन और वन के बीच में, इसलिए एक फाइनाइट क्वांटिटी इसको हम लेकर चलते हैं। चलो इसकी हम आगे बात करेंगे। यहाँ पर हमने कहा कि साइन थीटा लेस देन इक्वल टू वन है, तो साइन वन बाय एक्स मोड ऑफ साइन वन बाय एक्स इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू वन। इसकी जगह मैंने वन पुट किया, सिंबल आ गया लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एक्स। ओके, अब हमने कहा था कि हम लेकर चलेंगे कि एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, दैट इज हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है? एक्स माइनस साइन वन बाय एक्स माइनस ज़ीरो, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। कब होगा भाई? जब इसको सॉल्व करते करते आप कहाँ तक पहुँचे हैं? मोड ऑफ एक्स तक, इफ मोड ऑफ एक्स लेस देन हो एप्सिलॉन के।
अब मुझे तो क्या बताना है, मुझे ये डेफिनेशन यहाँ पे ये क्लियर करके आना है कि मोड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा आ जाए। मतलब यहाँ पे मैं क्या बताऊँगी, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ एक्स माइनस जीरो, एक्स को एक्स माइनस जीरो लिख सकते हैं, लेस देन एप्सिलॉन, और इसको मैं ले लेती हूँ डेल्टा, क्योंकि डेल्टा की वैल्यू जो हम स्टार्टिंग में कहते हैं कि एप्सिलॉन पर डिपेंड करती है, तो यहाँ पर मैंने एप्सिलॉन को ले लिया डेल्टा इफ मोड ऑफ एक्स माइनस जीरो लेस देन डेल्टा। तो क्या बाय डेफिनेशन हम नहीं बता पा रहे कि एफ ऑफ एक्स यानी कि एक्स माइनस, ओ सॉरी एक्स माइनस नहीं मल्टीप्लाई एक्स इंटू साइन वन बाय एक्स लेस देन एप्सिलॉन कब आया, जब एक्स माइनस जीरो लेस देन डेल्टा। इसका मतलब इफ x टेंस टू जीरो देन x इंटू साइन वन बाय एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ पर l की वैल्यू जीरो, यहाँ पर a की वैल्यू जीरो। क्लियर दैट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ इसी एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन पर बेस्ड है। अगर आपको कहा जाए कि फंक्शन की ये लिमिट नहीं है, मतलब नॉट इक्वल टू, अगर आपको प्रूव करना है तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन में हमें कैसे प्रूव करना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आप बीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, चाहे आप कोई कंपिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन सेकंड, लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन आर माइनस जीरो बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन वन बाय एक्स। इसकी जो डोमेन रहेगी, जीरो को इसने स्किप कर दिया है क्योंकि साइन वन बाय एक्स यहाँ पे फंक्शन है, तो हर एक रियल नंबर पर इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है। ये शो कीजिए कि अगर x 0 को टेंड करता है तो इसकी लिमिट 0 के इक्वल नहीं होगी। तो हमने बताया था कि अगर f ऑफ x डजंट टेंस टू l इफ x टेंस टू a, तो कैसे बताएंगे हम इसका मतलब क्या, मतलब ये अगर हमें प्रूव करना है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से तो हमें कैसे बताना होगा। इससे पहले मैं एक बार लिख दूँ, अगर ये एल को टेंड करे तो हमारे पास होता है एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन इफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। नहीं टेंड कर रहा है एल को, इसके लिए हमें ये प्रूव करना पड़ेगा एफ, हम यहाँ पे लेकर चलेंगे बल्कि एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, ये हम कंडीशन लेकर चलेंगे। ध्यान से सुनिएगा, x माइनस ए लेस देन डेल्टा ये हम लेकर चलेंगे, और हम यहाँ पे डेल्टा की ऐसी वैल्यू चूज़ करेंगे जो एप्सिलॉन पर बेस्ड होगी, और यहाँ पे ये प्रूव करेंगे कि f ऑफ x माइनस एल इज ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन। f ऑफ x माइनस एल ग्रेटर भी हो सकता है, इक्वल चाहे ना भी आए, ठीक है ना, तो दोनों सिंबल ग्रेटर देन इक्वल टू भी आ सकता है, ओनली ग्रेटर देन भी हम प्रूव कर सकते हैं, राइट। तो ये कंडीशन आपको यहाँ पे शो करनी है, जब आपको ये बताना है कि ये इसकी लिमिट नहीं होगी देन ऑलराइट। चलिए देखते हैं कैसे प्रूव करना है। यहाँ पर चूंकि हमें डेल्टा की वैल्यू लेकर चलनी है और डेल्टा की वैल्यू डिपेंड करती है एप्सिलॉन पर, है ना, तो मैं यहाँ पर लेकर चलती हूँ लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव, और इसकी वैल्यू मैं ले लेती हूँ वन बाय टू, ठीक है। एप्सिलॉन पॉजिटिव होता है तो इसकी वैल्यू हमने ले लिया है वन बाय टू, ओके। बी एनी गिवन नंबर, अब मुझे डेल्टा की वैल्यू ऐसे चूज करनी है यहां पर कि एक्स माइनस जीरो लेस देन डेल्टा हो। मैंने कहा ना कि ये हम लेकर चलेंगे कंडीशन इस टाइप से कि ये एग्जिस्ट करे, लेकिन ये कंडीशन एग्जिस्ट ना करके ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाए, तब हम कहेंगे कि जब एक्स ए को टेंड कर रहा है तो एफ ऑफ एक्स एल को टेंड नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमें यह बताना है कि अगर एक्स जीरो को टेंड करता है देन एफ ऑफ एक्स डजंट टेंड्स टू जीरो, ये हमारे पास हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लेकर चले एप्सिलॉन इज वन बाय टू, डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन एप्सिलॉन चूज अ नंबर डेल्टा सच दैट, ये थोड़ा सा स्टेप आपको ध्यान रखना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे साइन और कॉस अगर गिवन है तो टू एन पाई, क्योंकि ये पीरियोडिक होते हैं टू पाई के, ना टू एन पाई प्लस पाई बाय टू, दिस नंबर इज ग्रेटर देन वन बाय डेल्टा। समझ में आया, मतलब
आपको बेसिकली करना क्या है, आपको यहाँ पे लेकर आना है कि x लेस देन जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसी को रेसिप्रोकल, अभी थोड़ा सा एक दो स्टेप और करेंगे तब क्लियर हो जाएगा, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर देती हूँ 2n पाई प्लस पाई बाय 2, देन इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी और इसका भी हमने रेसिप्रोकल कर दिया, दैट मीन्स डेल्टा इज ग्रेटर देन दिस नंबर, ओके। अब क्योंकि एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर था, इसी पर बेस्ड हमने ये नंबर लिया है, वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये पूरा का पूरा हमारा नंबर कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, डेल्टा भी कैसा है, पॉजिटिव है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें ये लेकर चलना है कि x माइनस ए लेस देन डेल्टा, अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन हमें क्या बताना है, x माइनस ए लेस देन, x माइनस जीरो लेस देन डेल्टा। अब अगर मुझे ये नंबर देखना है कि ये नंबर डेल्टा से लेस आ रहा, तो क्यों ना मैं इसको x ले लेती हूँ, टेकिंग x इज इक्वल टू 1/2n पाई प्लस पाई बाय 2। और एक चीज़ और भी ध्यान रखना, जब भी हमें बताना है कि ये इसकी लिमिट नहीं होगी तो हमें कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज लेकर ही चलनी पड़ेंगी हर एक क्वेश्चन में, ऐसा वो क्वेश्चन जिसमें हमें नॉट इक्वल बताना है कि ये इसकी लिमिट नहीं है, तब जैसे हमने एप्सिलॉन को एक पर्टिकुलर वैल्यू लिया 1/2, इस पर बेस्ड हमने डेल्टा की वैल्यू चूज़ की, ऐसी वैल्यू चूज़ की जो इस कंडीशन को एग्जिस्ट करती हो, ठीक है। देन x माइनस जीरो, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको x ले लेती हूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि x मोड ऑफ x लेस देन डेल्टा, मोड आप अप्लाई कर सकते हो बिकॉज दिस इज अ पॉजिटिव वैल्यू, अंडरस्टैंड, तो मोड अप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो कुछ गड़बड़ तो नहीं, x को आप x माइनस जीरो लिख सकते हो और हमारी लिमिट क्या है, जीरो ही तो है, इसका मतलब ये हमारी कंडीशन एग्जिस्ट कर गई। ये अगर एग्जिस्ट कर जाती है, अब हम चेक करेंगे कि एफ ऑफ एक्स माइनस जीरो हमारे पास क्या आ रहा है, लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है या ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारे पास एग्जिस्ट कर जाती है। अब हम लेकर चलते हैं नाउ एफ ऑफ एक्स माइनस जीरो, एफ ऑफ एक्स माइनस जीरो मतलब एफ ऑफ एक्स क्या है, साइन ऑफ 1/x माइनस जीरो, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें दिखाना कि ग्रेटर देन एप्सिलॉन है लेस देन एप्सिलॉन है, क्योंकि x की पर्टिकुलर वैल्यू है मेरे पास, पुट कर देते हैं साइन ऑफ 1। अब देखिए ध्यान से, x इज इक्वल टू 1/दिस, 1/x की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 2n पाई प्लस पाई बाय 2 माइनस 0, 0 को हटा सकते हो, अंडरस्टैंड। चलिए देखते हैं क्या आता है, माइनस 1 रेज टू पावर, अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ 2n जो पाई का मल्टीपल होता है, n इज एनी नेचुरल नंबर, इन टू साइन पाई बाय 2, जनरल वैल्यू हम सॉल्व करते हैं तो ऐसे ही लेकर चलते हैं, यहाँ पे 2 का मल्टीपल है, n नेचुरल नंबर है तो ये हमेशा 1 रहेगा और साइन 1/2 क्या है, 1, तो यानी कि इसकी वैल्यू मैंने सॉल्व की तो क्या आया मेरे पास, इक्वल टू 1। ये वैल्यू कौन सी थी जिसको हमने डेल्टा, यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू चूज किए जो हमारी x माइनस जीरो लेस देन डेल्टा कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, तब हम चेक कर रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स माइनस ए क्या आएगा। अब जरा देखिएगा क्या ये ग्रेटर देन एप्सिलॉन होगा या लेस देन एप्सिलॉन होगा, 1 इज ग्रेटर देन 1/2 विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन, दैट मीन्स साइन ऑफ 1/x माइनस जीरो इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन। अगर मैं ये वैल्यू चूज कर रही हूँ, एप्सिलॉन मैंने 1/2 लिया, इस पे बेस्ड मैंने डेल्टा की वैल्यू चूज की, इस कंडीशन को एग्जिस्ट करती है, लेकिन एफ ऑफ एक्स माइनस एल ये हमारा ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ रहा है, ना कि लेस देन एप्सिलॉन। अब अगर ग्रेटर देन एप्सिलॉन है तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स एल को टेंड नहीं करेगा, इम्प्लाइज दैट f ऑफ x यानी कि साइन 1/x, साइन 1/x डजंट टेंस जीरो, कब, जब x टेंड करता है जीरो को। तो जो नॉट वाले क्वेश्चन होते हैं वो हमें इस टाइप से प्रूव करने होते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, अंडरस्टैंड। इसके बाद हमें लिमिट प्रूव करने के लिए
जो फाइनाइट लिमिट होती है, आज हम बात कर रहे हैं फाइनाइट लिमिट के ना, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट अगर आ जाता है, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, राइट हैंड लिमिट निकालिए, दोनों इक्वल होते हैं तो वो उसकी लिमिट हो जाती है, अदरवाइज लिमिट नहीं होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे इनफाइनाइट लिमिट के बारे में, और जल्दी हम कॉन्टिन्यूटी का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। जो BSc या BA के स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएशन का जो कंप्लीट सिलेबस करना चाहते हैं, अपनी वेरा मैथ्स एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, टेक केयर।